सो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पर। जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो पूरा हो चुका है, अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया यानी कि BGMI शनिवार 27 मई को एंड्रॉयड डिवाइस में डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो गया है, लेकिन आईफोन यूजर इसे 29 मई को डाउनलोड कर सकेंगे। 10 महीने के बैन के बाद BGMI की वापसी हो चुकी है। BGMI को पिछले साल 28 जुलाई 2022 को सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के कारण बैन कर दिया गया था, जिसके बाद से एप्पल के ऐप स्टोर और गूगल के प्ले स्टोर से BGMI ऐप को हटा दिया गया था। बैन लगने से पहले देश में BGMI गेम के यूजर की संख्या एक साल के अंदर 100 मिलियन के आंकड़े को पार कर गई थी। सितंबर 2020 में पबजी बैन होने के बाद पहली बार 2021 में BGMI को भारत में लॉन्च किया गया। आज 10 महीने के बाद भी गेम प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो गया है। वहीं BGMI पर अभी परमानेंट बैन नहीं हटाया गया है। BGMI पर 3 महीने के लिए बैन हटाया गया है, जिससे पता लगाया जा सके कि यह हमारी सिक्योरिटी के लिए सही है या नहीं। अगर किसी भी प्रकार से BGMI हमारी सिक्योरिटी को लीक करती है तो BGMI को दोबारा बैन कर दिया जाएगा, लेकिन अगर यह गेम सेफ है तो इसे परमानेंट अनबैन कर दिया जाएगा। ऐसी और न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसके साथ ही भाई लोगों, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है BGMI अनबैन होने की। इस न्यूज़ को सुनने के बाद तो भाई मज़ा ही आ गया। तो अब मैं तो जा रहा हूँ TDM में ग्राइंड करने, आप भी आ जाओ अगर मेरे साथ खेलना चाहते हो। बाय बाय, फिर मिलते हैं।